हाँ बेबी। हाँ बेबी। हाँ मैं पहुंच गया। तुम कितनी देर तक आ रही हो? बस अभी रास्ते में हूँ, 15 मिनट में पहुंचने वाली हूँ। होप यू अंडरस्टैंड। अरे बेबी ट्रैफिक में तो दिक्कत हो ही जाती है, आराम से आओ। आई अंडरस्टैंड। ओके बेबी आती हूँ। लव यू। लव यू टू। हाय बेबी। हाय बेबी। आई होप मैंने तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। नहीं बेबी, बस 3 ही घंटे तो लेट हो। आई अंडरस्टैंड। ऐसे पब्लिक प्लेस में सब पता नहीं क्या सोचेंगे, अच्छा नहीं लगता। तुम बुरा मत मानना। अरे नहीं पागल, पब्लिक का क्या भरोसा, कुछ भी सोच ले। आई अंडरस्टैंड। बैठो बेबी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स। ओह थैंक यू सो मच यार। बेबी मेरा ना बड़ा मन था कि ये चॉकलेट है ना मैं तुम्हारे साथ खाऊं। वो जैसे फिल्मों में नहीं आते, आधी मेरे मुंह में, आधी तुम्हारे मुंह में, और फिर हाँ बेबी जरूर, पर आज नहीं। You know what? मैंने आज से डाइटिंग स्टार्ट कर दी है। I wanna lose some weight. I hope you understand. I understand. अच्छा बेबी एक बार अपनी आंखें बंद करो। क्यों? करो तो। ओके। अब खोलो। ओह बेबी। अच्छी है ना? बहुत। तुम्हारे हाथों में और भी अच्छी लगी। तो पहना दो। अच्छा बेबी मैं कह रहा था कि अब तो यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, सो कैन वी? यस श्योर। तेरी बहन की 1.5 सूअर से जकल के है कौन तू? धर्म ब्रश कर दिया मेरा। इजी ब्रो, आस्क हर। साहिल? तुम जानती हो इसे? हाँ यार, ही इज माय बेस्टी। बेस्ट फ्रेंड। है? यस। खैर छोड़ो। हाय साहिल। एक सेकंड। हम हक कर रहे हैं, इससे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कोई दिक्कत तो नहीं? अरे नहीं नहीं यार, ही इज वेरी ओपन माइंडेड, है ना बेबी? फ्रेंड्स तो गले मिलते ही है ना बेबी। आई अंडरस्टैंड। बैठ। वाओ मेरी फेवरेट चॉकलेट, मैं एक बाइट ले लूं? नहीं। क्यों नहीं? ब्रो हैव इट। श्योर। नेवर माइंड। पांक। रुक। बेबी मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम तो डाइटिंग पे थी ना, फैट गेन हो जाएगा बेबी, फैट तो लूज करना था। अरे नहीं यार, आज साहिल आया, मैं कल से स्टार्ट कर लूंगी। होप यू अंडरस्टैंड। खाले यार तेरे बाल बड़े सिल्की हो गए ना। मैंने न्यू शैम्पू यूज किया। अच्छा ओ बेबी वो तुम्हारी क्लास थी ना, हमें चलना चाहिए। ब्रो
इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा, ओके? मैं अपनी बेस्टी के साथ रहूँगा। सॉरी ब्रो, पर वो क्लास तो बेबी ने अपनी एनिवर्सरी पे भी मिस नहीं करी थी, तो आज तो मिस कर सकती हूँ। क्या? हाँ यार, आज साहिल आया है, ये पूरा मान जाएगा। सो ट्राई टू आई अंडरस्टैंड। यार एक बात बताओ, इतने प्यारे हाथ में ये रिंग किस चूतिया ने दिया? इस चूतिया ने? I'm sorry bro, please don't be offend. I mean ring तो बहुत प्यारी है, लेकिन उससे प्यारा ये हाथ है। ओए! क्या हो बेबी? बेबी ये तुम्हारे हाथ पर किस कर रहा है? Bro, थोड़ा सोच को खोलो। दोस्तों में तो गालों में भी किस कर सकते हैं भाई, क्या हो गया? है? Don't overreact यार, he's my bestie. You have to understand bro. यार तेरे बाल कितने अच्छे हैं ना, तेरी आंखें कितनी बड़ी हैं और तेरी स्किन, मेरा बस चले मैं तेरे लिए चांद तोड़ दूंगा यार। और मैं तेरी गांड तोड़ दूंगा। ब्रो लैंग्वेज की बत्ती बनाओ और गुफा में डाल ले। बेबी इतनी हाइपर क्यों हो रहे हो? यू हैव टू अंडरस्टैंड। यार ब्रो वी आर जस्ट फ्रेंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड। हां बेबी प्लीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड? यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक बार और ये वर्ड बोला ना तो खाल खींच लूंगा तेरी। अंडरस्टैंड बाहर में गया अंडरस्टैंड। और क्या होता है ये मेल बेस्टी? मेरी कोई गर्ल बेस्टी सुनी है तूने? अबे कौन से ग्रह से आए हो तुम लोग, तुम्हारा कोई दीन ईमान नहीं है क्या? भैंचो एक लड़की पटाने पता है कितना टाइम लगता है? पहले कुत्तों की तरह इनके पीछे पीछे घूमो, बिना किसी ओकेजन के गिफ्ट दो, रात भर जाग जाग कर इनकी बकवास सुनो। यू नो व्हाट, आज ना मेरी मम्मी ने ना खिचड़ी बनाई है। अबे तो मैं क्या करूं, मुझे बताने से खिचड़ी बिरयानी थोड़ी बन जाएगी। मैंने तुझे कहीं बताया कि मेरे घर पे टींडे बने हैं? बताता भी कैसे, मेरी सुनिए कभी तूने? इनको पिक करो, ड्रॉप करो, बोर होने लगे तो हंसाओ, रोने लगे तो चुप कराओ, किसी और लड़के की बात करके हमारी फुकाए तो ऐसे रिएक्ट करो कि हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा, वी आर कूल। और इतना सब कुछ सहने के बाद जब इन्हें यकीन हो जाता है कि ये आदमी से कुत्ता बन चुका है, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ चुकी है, तब जाकर ये हमें हाँ बोलती है और हम उसमें भी खुश हैं। आदमी ब्रीड इतनी चूतिया, इसे भी अचीवमेंट समझ लेते हैं। उसके बाद जब सब कुछ गुलाबी गुलाबी सा लगने लगता है, लव स्टोरी अपने पीक पर होती है, तब अचानक से तुम्हारी प्रजाति प्रकट हो जाती है जिसको कहते हैं मेल बेस्ट फ्रेंड। पब्लिकली हमें हक करने में इनकी फटके चार हो जाती है और बेस्ट फ्रेंड को पप्पियाँ झप्पियाँ गले तो ऐसे मिलती हैं जैसे सालों की बिछड़ी हुई हो। इनके घरों में नाइट स्टे कर रहे हो तुम, हमारा इनकी गलियों में तक जाना बैन है, पता है तुझे इस बात का? एक फोटो जिसमें 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है हमारे बीच, वो तक इनसे अपलोड नहीं होती। यू नो व्हाट बेबी, मम्मी पापा शक करेंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या बेबी? आई अंडरस्टैंड। इतने बड़े चूती है राम और बेस्टी की पीठ पर चढ़ चढ़कर गोदियों में सर रखकर ऐसी ऐसी फोटोज अपलोड करेंगे जिन्हें देखकर हमारी टट्टियां बंद हो जाए, अलग से पानी तक नहीं उतरता नीचे, और हम भी ओपन माइंडेड की गांड बने घूम रहे। क्या बेबी? आई अंडरस्टैंड, आई हैव टू अंडरस्टैंड। अरे बस नहीं चाहिए ये चूते आपस जिंदगी में, माफ कर। ब्रो यू आर ग्रेटेस्ट एक्टर आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, यू शुड ट्राई इन बॉलीवुड, अमेजिंग मैन, जस्ट लुक एट हिम, आई एम बिग। ये भी ठूस ले। एक कॉफी। Hi. Actually, I really like you. Will you be my boyfriend? Not interested. Actually, we can be friends. You know? Best friends.